रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, ना मैं शहंशाह। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हेलो एवरीवन, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान, कौन ज़्यादा पॉपुलर है? ये एक ऐसा सवाल है कि जिस किसी को भी बॉलीवुड में इंटरेस्ट होगा आंसर जानने के लिए क्यूरियस हो जाएगा। खैर, इस सवाल का उत्तर इतना आसान तो है नहीं कि मैं झट से एक नाम बता दूं। तो इसका उत्तर जानने से पहले कुछ फैक्ट्स जानते हैं दोनों के बारे में। अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सबसे प्रभावशाली अभिनेता में से एक माना जाता है। 1970 और 1980 के दशक के दौरान वह भारतीय फिल्म के दृश्य में सबसे प्रमुख अभिनेता थे। फ्रांसीसी निदेशक फ्रांसवा त्रुफोट ने उन्हें वन मैन इंडस्ट्री कहा है। भारतीय उपमहाद्वीप से परे उन्होंने अफ्रीका, खासकर दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस, मध्य पूर्व में विशेष रूप से यूएई और मिस्र, यूनाइटेड किंगडम, रूस, कैरेबियन आइलैंड्स में गुयाना, सूरीनाम और त्रिनिदाद और टोबैगो, ओशिनिया में फिजी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान की एशिया और भारतीय प्रवासी जो दुनिया भर में हैं उनके बीच काफ़ी पॉपुलैरिटी है। दर्शकों की संख्या और आय के संदर्भ में उन्हें दुनिया के सबसे सफल फिल्मी सितारों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। तो आइए अब इस टेबल के माध्यम से देखें कि उनका रिकॉर्ड्स क्या क्या हैं। टोटल नंबर ऑफ फिल्म्स जो अमिताभ बच्चन बनाए हैं वो 154 है और शाहरुख खान का 61 है। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर अमिताभ बच्चन का 1 और शाहरुख खान का 2, ब्लॉकबस्टर अमिताभ बच्चन का 2 और मिस्टर खान का 7, सुपरहिट हिट अमिताभ बच्चन का 43, शाहरुख खान का 22, सेमी हिट और एवरेज अमिताभ बच्चन का 33 और शाहरुख खान का 5, फ्लॉप अमिताभ बच्चन का 72 और मिस्टर खान का 25, सक्सेस रेशियो अमिताभ बच्चन का 52% और शाहरुख खान का 59%, वन मूवी चार्ज अमिताभ बच्चन लेते हैं 15 to 16 million, वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान लेते हैं 30 to 32 million, नेटवर्थ अमिताभ बच्चन का $400 million है और शाहरुख खान का $600 million, ट्विटर फॉलोअर्स अमिताभ बच्चन का 45.1 million है और मिस्टर खान का 41.6 million। खैर, अब दूसरा टेबल देखते हैं जो अवार्ड लिस्ट है। हालांकि इन दोनों की अवार्ड की लिस्ट इतनी बड़ी है कि यहाँ लिस्ट कर पाना सिंपली असंभव है, इसलिए यहाँ पे दिए हुए टेबल में हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स को ही मेंशन किए हैं। सबसे पहले सिविलियन अवार्ड को देखते हैं। अमिताभ बच्चन को टोटल 5 सिविलियन अवार्ड मिले हैं, जिनमें इंडिया के सेकेंड हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण एंड नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस का जो हाइएस्ट ऑनर है वो दोनों मिला है उन्हें। शाहरुख खान को पद्मश्री मिला है जो इंडिया का 4th हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस के द्वारा उन्हें लीजन दे ऑनर अवार्ड मिला है। इसके बाद ऑनररी डॉक्टरेट में अमिताभ बच्चन को 8 है और मिस्टर खान को 5 है। नेशनल ऑनर्स में अमिताभ बच्चन को 13 है और शाहरुख खान को 10+2 है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स अमिताभ बच्चन को 5 है, मिस्टर खान को इस कैटेगरी में कोई अवार्ड नहीं मिला है। एशियन फिल्म अवार्ड्स में अमिताभ बच्चन को 1 है और शाहरुख खान को एक बार नॉमिनेट किया गया है सिर्फ। फिल्म फेयर अवार्ड्स अमिताभ बच्चन को 15 है और शाहरुख खान को भी 15 है। स्क्रीन अवार्ड्स अमिताभ बच्चन को 11 है और शाहरुख खान को 17 है। आईफा अवार्ड्स अमिताभ बच्चन को 6 है, शाहरुख खान का डाटा अवेलेबल नहीं है। स्टार डस्ट अवार्ड अमिताभ बच्चन को 11 है और शाहरुख खान को 4 है। जी सिने अवार्ड्स अमिताभ बच्चन को 6 है और शाहरुख खान को 13 है। सेंसुई अवार्ड्स अमिताभ बच्चन का डाटा अवेलेबल नहीं है और शाहरुख खान को 6 अवार्ड। प्रोड्यूसर्स गाइड फिल्म अवार्ड्स, अगेन अमिताभ बच्चन के लिए ये डाटा अवेलेबल नहीं है
और शाहरुख खान को 4 है। इसके अलावा चलिए ये भी देख लें कि उन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। अमिताभ बच्चन को लोग एंग्री यंग मैन, शहनशाह ऑफ बॉलीवुड, स्टार ऑफ द मिलेनियम एंड बिग बी के नाम से जानते हैं, एंड वहीं दूसरी ओर शाहरुख खान को किंग ऑफ बॉलीवुड और किंग खान के नाम से जानते हैं। अब इस दिए हुए डाटा के आधार पर आप लोग खुद डिसाइड कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे ऐसे ही दो ग्रेट पर्सनालिटीज़ के साथ।